Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for UGC NET Economics exam paper 2. In this video lecture, we will learn what is your classical full employment model. This video is in continuation with the part 1 of our analysis. This video we will discuss what is your saving and investment analysis, and also we will discuss the classical complete model kya hai. Also, in the end of the video, we will discuss 4 MCQ questions, so stay tuned. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So let's discuss the self-correction in depression. So we have already discussed ki aapka along the curve kya changes hote hain, ki aapka jo labor demand hai aur labor supply hai wo along the curve agar kuch bhi usme changes aate hain to usko kaise economy self correct karti hai in classical analysis. In this part we learn agar depression aa jata hai so ek prolonged effect ki wajah se kya hoga, aapke shifts in your supply curve ya demand curve honge to uski wajah se aapki economy kaise self correct karegi apne aap ko, hum discuss karenge classical model se. Okay, so according to classical economists, there is no involuntary unemployment. That means if you want to work on the given wage rate, you will get work. And there is a possibility of voluntary unemployment. That means at the given wage rate, if you don't want to work, then you don't have to work, obviously. And that's why you are unemployed. अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में बट दैट इज वॉलेंट्री, आप नहीं काम करना चाह रहे हो, दैट इज वन ऑफ योर चॉइस, इसीलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. सो नेक्स्ट इज योर ड्यूरिंग डिप्रेशन द डिमांड फॉर लेबर फॉल्स. सो व्हेन यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड यू आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट और डिप्रेशन हो जाता है तो व्हाट हैपन्स कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता है. सो व्हाट विल यू डू, आप कॉस्ट को कम करना चाहेंगे, आप कॉस्ट कटिंग मोड में चले जाएंगे. तो उसके लिए आपके पास क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल एंड लेबर, और कैपिटल को आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका जैसे प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है आप एंड यू हैव अ प्लांट, आप उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा आपका प्लांट. सेकंड ऑप्शन इज आप लेबर कम कर दें. सो आप जब लेबर को कम करोगे टू क्रॉस कॉस्ट कट तो आपकी जो लेबर डिमांड है दैट विल फॉल. सो लेट्स सी द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दिस. तो जब डिप्रेशन है इकोनॉमी में, योर लेबर डिमांड विल शिफ्ट. सो दिस इज लाइक योर कोई सप्लाई डिमांड का एनालिसिस, जिसमें आप एक्सिस पे कमोडिटी ले रहे थे और वाई एक्सिस पे प्राइजेस ले रहे थे एंड यू से कि आपका डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. तो अलोंग द कर्व चेंजेस तो होंगे कि इसी कर्व पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और लेकिन कोई एक्सोजिनस चेंज होगा मॉडल के बाहर से, अगर कोई चेंज आ रहा है जिन चीजों को हमने फिक्स रख दिया था तो आपका क्या होगा, डिमांड कर्व पूरा शिफ्ट हो जाता था. So there was a shift in your demand curve. Just like that, depression आपको एक unexpected change है और उससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो labor demand curve है वो shift कर जाएगा. So it falls towards leftward. तो ये leftward shift आने से you will reach this point. K. You'll reach K point. एंड यहाँ पे यू विल रियलाइज दैट यू हैव एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर. तो जो सप्लाई कर रहे थे तो वो तो सप्लाई कर ही रहे हैं इस वेज रेट पे, पुराने वेज रेट पे. तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर विल पुट अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन योर वेज रेट. सो योर वेजेस विल फॉल एंड यू विल रीच पॉइंट इवन. तो आपका एक साइड हो गया क्लासिकल मॉडल का कि योर वेजेस वर फ्लेक्सिबल तो उनकी वजह से हम इवन पे पहुंच गए, और इवन इज योर न्यू इक्विलिब्रियम. तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपकी जो लेबर है दैट इज एन वन, अर्लियर इट वॉज एन नॉट. सो एट दिस पॉइंट इवन हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है एन वन एन नॉट, एंड दिस एन वन एन नॉट
इज योर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वेज इस वेज रेट पे, फॉलन वेज रेट पे यू डोंट वॉन्ट टू वर्क. ओके, सो वी रीच दिस पॉइंट. बट वी हैव डिस्कस की क्लासिकल मॉडर्न तो एक सेल्फ करेक्शन नेचर का है, तो आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं जाना है, आपको वो उसी इक्विलिब्रियम को स्टे भी करना है, री इंस्टेट करना है जिसपे आप पहले थे. तो हमें किसी ना किसी तरीके से ई नॉट पे पहुंचना है. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब वेजेस का तो आपने एडजस्टमेंट देख लिया, अब प्राइजेस का एडजस्टमेंट भी देखो, बिकॉज प्राइजेस आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आर एजम्पशंस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइजेस आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल. तो जो प्राइजेस हैं वो भी फॉल कर जाएंगे. क्यों? आप डिप्रेशन में हो, तो डिप्रेशन में प्राइजेस ऑल्सो फॉल. आपने न्यूज भी पढ़ी होगी कि जब टर्मोइल आ गया, लोग डिमांड ही करना बंद कर देते हैं डिप्रेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग दोस टाइम आपके प्राइजेस भी फॉल कर जाएंगे. तो जैसे आपका इनिशियल लेवल था W नॉट P नॉट, तो आपका जो न्यू लेवल है W1 वन बाय पी वन, आपके न्यू प्राइस लेवल और न्यू वेज रेट दे विल बी इक्वल. तो हम वापस से E नॉट पे पहुंच जाएंगे. सो द मार्केट इज सेल्फ करेक्टेड. तो हम क्लासिकल मॉडल के हिसाब से अगर आपके वेजेस और प्राइजेस फ्लेक्सिबल हैं तो आप दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएंगे फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड. ओके, सो नेक्स्ट इज योर डिटरमिनेशन ऑफ योर जीडीपी. सो अगेन एज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यही होता है कि इकॉनमी में व्हाट इज द लेवल ऑफ योर जीडीपी. सो दैट इज योर मेन कॉन्सेंट्रेशन. सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस कि लेबर मार्केट में क्या चेंजेस आते हैं, उसी से हमारा डिटरमाइन होता है हमारा आउटपुट. व्हाई? बिकॉज आप शॉर्ट रन एनालिसिस कर रहे हैं एंड लेबर जो है दैट इज योर ओनली फ्लेक्सिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कैपिटल और टेक्नोलॉजी आपने लिया है अभी कॉन्स्टेंट. ऑल्सो वी लेटर ऑन विल डिस्कस अगर हम टेक्नोलॉजी को भी चेंज करते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारी इकोनॉमी में फ्रॉम दैट. ओके, सो वी हैव डिस्कस की अपवर्ड स्लोपिंग एक हमारा लेबर सप्लाई कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा एक लेबर डिमांड कर्व है विच इज डिपेंडेंट ऑन योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ऑल्सो वी नो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इट इज डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब है कि अगर मैं आज 100 लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ, लेबर्स को एम्प्लॉय करता हूँ, देन आई कैन गेट एन आउटपुट ऑफ 200. एंड टुमारो इफ द लेबर को मैं चेंज करके 200 लेबर को एम्प्लॉय करता हूँ, देन आई विल गेट 300, और उससे आगे ये डिफरेंस क्या हो गया 100 का. और अगर मैं 300 लेबर्स को एम्प्लॉय करता हूँ, देन आई विल गेट 380 rather than getting 400. तो इसका मतलब क्या? Diminishing return है हर एक constant increase of my labor में. तभी ये जो curve है, output का जो हमारा curve है, that is, it is like this. ये shape जो है, banded shape, इसी वजह से है. If that wouldn't have been the case, अगर diminishing return नहीं होते, तो ये increase करता ही जाता. पर ऐसा होता नहीं है. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आप सोचो एक फ्लावर पॉट में भी आप पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रेन्स उगा पाते, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं आपके उसमें इकोनॉमी में, क्योंकि आपका जो लैंड था वो लिमिटेड था. फ्लावर पॉट में जो लैंड एक फैक्टर है, दैट इज योर लिमिटेड फैक्टर. इसीलिए आप एक फ्लावर पॉट में पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रेन्स नहीं उगा सकते. अगर ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होते तो उगा पाते, तो ये एक्सपोनेंशियल होता और कोई भी लैंड की प्रॉब्लम नहीं रहती वर्ल्ड में. बट वी हैव अ डिमिनिशिंग रिटर्न. तो ये एक बेंडेड कर्व है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यू गेट दिस आउटपुट. ओके, सो वी हैव रीच्ड दिस. दिस इज योर जीडीपी. सो नेक्स्ट इज योर डाइकोटॉमी ऑफ क्लासिकल थ्योरी.
जो डाइकोटॉमी का मतलब समझ लेते हैं. डाइकोटॉमी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है क्लासिकल मॉडल में? क्योंकि जो उसके रियल फैक्टर्स हैं, रियल जो वेरिएबल्स हैं उनका चेंज, और जो उसका नॉमिनल वेरिएबल्स हैं उनमें जो चेंज आ रहा है, वो अलग अलग फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं. तो एक ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि दो सेम जैसी चीजें दिखने वाली लेकिन उनको कोई और ही फैक्टर डिटरमाइन करता है दोनों को. फॉर एग्जाम्पल योर वेज, रियल वेज रेट एंड योर नॉमिनल वेज रेट, इन दोनों को कोई दूसरे फैक्टर कंट्रोल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके जो रियल वेजेस हैं, आपके रियल जो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल योर रियल इंटरेस्ट रेट, दे आर कंट्रोल्ड बाय योर कैपिटल, लेबर एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच आर योर रियल वेरिएबल्स. ओके, एंड योर नॉमिनल, नॉमिनल मतलब जिसमें आपने प्राइजेस को, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, उसमें आपको आपके जो नॉमिनल फैक्टर्स हैं वो ही डिटरमाइन करेंगे. तो आपने क्या देखा कि योर नॉमिनल एंड योर रियल वेजेस आर डिटरमाइंड बाय टू सेट्स ऑफ फैक्टर. सो दिस इज योर कॉन्ट्राडिक्शन इन योर क्लासिकल मॉडल, और वेल नोन एज डाइकोटॉमी ऑफ क्लासिकल थ्योरी. नेक्स्ट इज योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम आर अर्लियर एनालिसिस, जिसके अंदर हम कह रहे थे कि आपका जो कंजम्पशन है, आप पूरा का पूरा जो इनकम है आप कंज्यूम कर जा रहे हैं, विच इज फ्रॉम योर सेल्स लॉ, जो कहता है कि कोई भी इकोनॉमी में आप कितना भी प्रोड्यूस कीजिए आप उतना ही कंज्यूम कर लेंगे, उतनी ही डिमांड हो जाएगी इकोनॉमी में. सो दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम सेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुम कि सेविंग्स कुछ थी ही नहीं. अब सेविंग्स को डिस्कस कर लेते हैं. सेविंग्स क्या होती है? आप एक बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रॉम द इकोनॉमी आप उसको लीक कर दे रहे हो कहीं पे. सो दिस इज योर लीकेज. सो सेविंग एक्ट एज योर लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी, बिकॉज आपने अपने इनकम में से निकाला और बैंक में डाल दिया, तो वो एक लीकेज हो गई ना, वो किसी ने कंज्यूम किया. और अभी तक अगर आपने बैंक में ही उसको रखना है और आप किसी को दे नहीं रहे हो, तो किसी ने उसको इन्वेस्ट भी नहीं किया. एंड देन देयर इज योर इन्वेस्टमेंट, कि आप फाइनली किसी को अपनी सेविंग्स जो है वो किसी को दे दो, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट. कोई और उसको आपके सेविंग्स को कहीं यूज कर ले, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज द इंजेक्शन फॉर द इकोनॉमी. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो ये लीकेज है ऑफ सेविंग वो आपकी इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर है. सो योर कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम. बट वो इक्विलिब्रियम में आएंगे कैसे? इन दोनों चीजों को इक्वल होने के लिए आप अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे. सो हमने क्या पढ़ा कि आपकी जो इनकम है दैट इज कंपोज ऑफ योर कंजम्पशन एंड योर सेविंग्स और योर इन्वेस्टमेंट, दोनों इक्वली हैं, कुछ भी लगा सकते हैं. सो हमारा ये सेल्स लॉ से एक डिपार्चर हो गया, जिसमें हम सेविंग्स भी अपने एनालिसिस में ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा वेजेस और प्राइस तो हम फ्लेक्सिबल पढ़ चुके हैं. वी लर्न कि इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. सो लेट्स लर्न थ्रू दिस ग्राफ. ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है. सेविंग्स इज अपवर्ड स्लोपिंग. Why? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, then you would want to keep your money in bank. कि इन्वेस्टमेंट उस पे आपके इंटरेस्ट रेट का रिटर्न जो है आपके सेविंग पे वो आपको ज्यादा मिलेगा. और जो आपका इन्वेस्टमेंट है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको महंगा पड़ जाता है इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज लोन महंगे हो गए हैं. आपके इन्वेस्टमेंट आपके लोन से आ रही है और वो अब आपके लिए महंगी हो गई है. सो यू गेट अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जस्ट लाइक योर कमोडिटी कर. जैसे आप कमोडिटी और प्राइजेस को लेते थे ना, बिल्कुल वैसे ही. और अभी हमने क्या पढ़ा है कि वेज रेट, रियल वेज रेट और हमारे लेबर का, बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस है इन्वेस्टमेंट और सेविंग का. उसमें भी जैसे हम कह रहे थे कि अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो
प्राइसेस चेंज होते हैं और आपके लेबर मार्केट में वेज रेट चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक दैट आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज हो जाएगा और आप ई पे पहुंचेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट इन द इकोनॉमी एंड द इंटरेस्ट रेट चेंजेस इन सच अ वे दैट योर ई बिकम्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कहीं से भी शुरू करो पहुंचोगे आप इसी ई पे। ओके, लेट्स डिस्कस अ डिप्रेशन वाला केस। तो डिप्रेशन में क्या हो रहा है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो फॉल कर जाएगी एट इवन एवरी गिवन इंटरेस्ट रेट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लेफ्ट फॉर शिफ्ट कर गई है एंड यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट के। अब के पे आपके पास सप्लाई ऑफ सेविंग तो बहुत ज्यादा है बट आप डिमांड नहीं कर रहे हो फॉर सेविंग्स। डिमांड ऑफ सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाएगा एंड यू रीच दिस पॉइंट बी। एंड एट फॉलन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहां पे हम देखें कि ई नॉट से इवन इंटरेस्ट रेट जो कि एक डिक्रीज इंटरेस्ट रेट है वहां पहुंच गए हैं, सो वी रियलाइज कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैव फॉलन डाउन। अब यहाँ इस बी पॉइंट से वी अगेन रीच टू ई पॉइंट, सो इवन योर कैपिटल मार्केट इज सेल्फ करेक्टिंग इन क्लासिकल मॉडल। सो लेट्स डिस्कस अ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। तो हमें पता है कि लेबर मार्केट से हमने डिटरमाइन कर लिया है अपना क्या आउटपुट कर्व, आउटपुट कर्व और आउटपुट कर्व का ही हमने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ये 45 डिग्री की लाइन होगी, अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आप अपने साथ ही कर्व बनाओ, मतलब दोनों ही चीजें सेम है, तो क्या होगा, एक 45 डिग्री लाइन बनेगी एंड दिस इज दैट 45 डिग्री लाइन, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो फ्रॉम दैट वी एनालाइज कि आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि हम आउटपुट लें बिल्कुल अपनी माइक्रो की तरह, जैसे उसमें हम कमोडिटी एक कमोडिटी लेते थे, इसमें हम एग्रीगेट आउटपुट ले रहे हैं और यहाँ पे प्राइजेस ले रहे हैं और हम चाहते हैं हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या है फॉर द होल इकोनॉमी। उसमें हम एक के लिए लेते हैं माइक्रो में, एक कमोडिटी के लिए क्या सप्लाई है इसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी के लिए लेंगे। तो हमने देखा कि जो आउटपुट है वो सिर्फ लेबर पे डिपेंड करता है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल, तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा, वर्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू योर क्लासिकल मॉडल आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल और डिमांड तो आपकी जो है ही डाउनवर्ड स्लोपिंग और उससे ही चेंज आएगा, मतलब सिर्फ आपका जो एग्रीगेट आउटपुट है उसके अंदर प्राइजेस का कोई असर ही नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइजेस ही बढ़ते जाएंगे। इफ यू इंक्रीज योर डिमांड देर इज नॉट गोइंग टू बी एन इफेक्ट ऑन योर एग्रीगेट आउटपुट। तो दिस इज आर क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल इन विच वी आर डिस्कस्ड कि कैसे लेबर मार्केट आपका आउटपुट डिटरमाइन करती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का उसमें क्या इंटरप्ले है। From that we have derived your aggregate supply curve and also in classical model your supply curve is supreme. आपको सिर्फ supply से ही फर्क पड़ता है, demand can never be deficient. So we have completed all this. So let's discuss some questions. आप question को पढ़िए और please comment section में इसका answer देते जाइए और we'll discuss four questions और in the end please let me know कि आपके क्या score रहा। So assertion is कि ट्रेड यूनियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। दिस इज राइट, आपको ट्रेड यूनियंस चाहिए होती है इकोनॉमी में। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ट्रेड यूनियन शुड बी अ पार्ट ऑफ मेड अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी। रीजनिंग उसका क्या दे रहा है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट बिलीव्ड इन फ्री मार्केट। सो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या होगा। सो यस वी नो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जो मार्केट्स हैं दे शुड बी फ्री। इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न कि मार्केट्स विल डू, मार्केट्स अपना काम खुद कर लेगी, तो यस रीजनिंग इज करेक्ट बट दे वर अगेंस्ट ट्रेड यूनियंस, तो आपकी अजर्शन इज रॉन्ग। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज assertion is according to classical economist as the price level increases supply increases,
रीजनिंग है इन द क्लासिकल वर्ल्ड एज द प्राइस इंक्रीजेज द एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेज एट द फर्म विल अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर गुड्स। तो आपका माइक्रो की एक अजम्पशन होती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट इज वर्टिकल बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस लेवल बट ऑन योर रियल टर्म्स योर लेबर एक्सेट्रा। सो बोथ इज इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टेक प्लेस व्हाट विल हैपन। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है दैट इज योर रियल वेरिएबल। सो डाइकोटॉमी ऑफ क्लासिकल मॉडल में हमने पढ़ा है कि जो रियल होंगे उससे ही रियल वेरिएबल्स में चेंज आएगा। सो लेट्स से दिस इज योर लेबर और ये आपका क्या है आउटपुट, ये हमने डिस्कस किया है ये ग्राफ। व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टेक प्लेस आपका ये जो आउटपुट कर्व है ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो क्या है, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड रियल वेजेस विल इंक्रीज, योर इनकम विल इंक्रीज। ये तो हमने देख लिया रियल वेजेस कैसे इंक्रीज करेंगे बिकॉज योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वहां से आप अपना डिमांड कर्व डिराइव करते हो, लेबर डिमांड कर्व, और जो रियल वेजेस हैं वो उसी पे डिपेंड करती हैं आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दोगे क्या होगा, नाउ योर लेबर हैज बिकम मोर प्रोडक्टिव, तो मोर प्रोडक्टिव हो जाएगी तो उसको मोर रियल वेजेस चाहिए होंगे। सो दिस वॉज एन एप्लीकेशन ऑफ योर डाइकोटॉमी ऑफ क्लासिकल मॉडल। नेक्स्ट इज assertion इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। रीजनिंग देर है द डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज करेक्टेड बाय द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सो यस, रीजनिंग भी ठीक है एंड assertion भी ठीक है और जो रीजन है वो आपके assertion को एक्सप्लेन भी कर रही है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड फोर क्वेश्चंस। assertion टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं assertion रीजनिंग ये थोड़े लेंदी होते हैं और इसमें हर एक चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है कि रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं, रीजन करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो मैंने आपकी ये प्रैक्टिस इसीलिए करवाई है क्योंकि अब 2019 दिसंबर के बाद लेंथ ऑफ क्वेश्चन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। इस पेपर में आपसे एक तो मेमरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑल्सो दे आर आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसमें लेंथ ऑफ योर कॉन्सेप्ट जो है वो आपका टेस्ट कर रहे हैं कि आपका कितना अटेंशन स्पैन है क्वेश्चन को भी लेके। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।